इतने दिनों से देख रहे हैं कि चार सालों से सेशन लेट है, तो केंद्र सरकार को नहीं दिख रहा है कि गया के बिहार के बच्चा को फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, तो राजभवन को चेंज करे। राजभवन ही है जो हमारा फ्यूचर सुधार सकता है। राजभवन के हाथ में बीसी अपॉइंट करना और अपॉइंट कर लीजिए। गोल लगत नहीं समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बनी रमेश कुमार जी। खबर के हेडलाइन सुनी, छात्र जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले मगध विश्वविद्यालय के छात्र निकलने आक्रोश मार्च, राज्यपाल फागुन चौहान के निकाल दी हले पुतला। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार, ए छात्र जनता दल यूनाइटेड के लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। खबर को नया बानी तो बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। खबर का बा विस्तार से जानी। गया छात्र जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा के नेतृत्व में गया कॉलेज से टावर चौक तक राज्यपाल फागू चौहान के विरोध में मगध विश्वविद्यालय के समस्या के लेके निकालल गई पैदल आक्रोश मार्च, जौना में हजारों के संख्या में छात्र छात्रा के जन सैलाब उमड़ पड़ल। यह पैदल मार्च सह आक्रोश मार्च के नेतृत्व कर रहल छात्र जदयू के मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा आज पूरा विश्वविद्यालय के छात्र के साथ आक्रोश मार्च निकाल के बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान के गया के कुल चार गो जगह पर पुतला दहन क के चेतावनी देत कहलन कि यह महीना के अंदर लंबित परिणाम के जारी ना कल गई, साथे साथ लंबित जितना भी कोर्स बा ओकर परीक्षा के शेड्यूल जारू ना कल गई, तो मगध विश्वविद्यालय स्थायी कुलपति स्थायी रजिस्ट्रार के नियुक्ति ना कल गई, तो अगला माह में लाखों छात्र के साथ राजभवन के घेरी हैं। साथे साथ कहलन कि राज्यपाल के तनी ई देखे के चाही कि मगध के लाखों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा बा। साथे साथ कड़ा चेतावनी देत कहलन कि कुशवाहा कहलन कि अगर विश्वविद्यालय नइखे सम्हरत तो राज्य सरकार के इस्तीफा दे देवे के चाही। एह मौका पे छात्र जदयू मगध विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष अमरजीत कुमार, रोशन कुमार, सुजीत कुशवाहा, प्रदेश सचिव प्रतीक कुशवाहा, कुंदन कुमार, हिमांशु, रवि, रोशन, प्रीति यादव, अनिल यादव, शक्ति सिंह के साथ हजारों छात्र छात्रा यह आक्रोश मार्च में शामिल रहल हन। बता दी कि आक्रोश मार्च में चार जगह राज्यपाल के पुतला दहन छात्र नेता लोग के द्वारा कल गई, भारी भीड़ रहे, पूरे कॉलेज के छात्र छात्रा उतर गिले रोड पर, जहाँ पे हंगामा करते हैं तरीका से राज्यपाल के पुतला के दहन कर दिहल लोग। भोजपुरिया समाचार रौरा सभे खबर के अंत तक बनल रही, एक एक खबर देखावेला, हर खबर मजबूती के साथ बतावेला। रौरा सभे से निहोरा बा विनती बा कि चैनल के सब्सक्राइब कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। अभी रौरा दर्शक लोग के बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार, का कहता लोग छात्र नेता, लेकिन एकरा से पहले शेयर जरूर क्रांति है तो राजभवन नहीं सुन पा रहा है। राजभवन जानबूझकर मगध विश्वविद्यालय के फ्यूचर के साथ विश्वविद्यालय को बर्बाद करने पर तुली है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिहारियों से चलते हैं। हमें तो ये सारे जितने भी लोग हैं, खास कर केंद्र वाले, मैं खुला बोल रहा हूँ, केंद्र के हाल ही में मंत्री थे जो बोल दिए थे लोकसभा में कि बिहारी बना देगा पूरे राज को, इसका मतलब बिहार को खाली दे रहे हो। इसीलिए जानबूझकर जो राजभवन से राज्यपाल है केंद्र के द्वारा नियमित किया जाता है, जब उन पर इतना बड़ा आरोप लगा है गमन का, राजभवन के साथ केस चल रहा है, इतने दिनों से देख रहे हैं कि चार सालों से सेशन लेट है, तो केंद्र सरकार को नहीं दिख रहा है कि गया के बिहार के बच्चा को फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, तो राजभवन को चेंज करे। राजभवन ही है जो हमारा फ्यूचर सुधार सकता है। राजभवन के हाथ में बीसी अपॉइंट करना, बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया था और उन्हें चाहिए कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, ना कि किसी धार्मिक किताब और ग्रंथ पर टिप्पणी करने का। ये उनका मामला है, हम सब पॉलिटिक्स से पढ़ना नहीं चाहते, हमको ऊपर आप सवाल करिए विश्वविद्यालय पर। छह सालों से सेशन लेट है, विश्वास करिएगा, 2020 के बाद कोई भी ग्रेजुएशन पास नहीं किया है। सोच लीजिए 3 सालों से ग्रेजुएशन को पास नहीं किए हैं, यूपीएससी में बैठे नहीं है, जानबूझकर केंद्र के द्वारा, जानबूझकर
बिहार के बच्चों को धकेलने का प्रयास कर रहा है, ताकि चाह रहा है कि बिहार के बच्चा न पढ़े, न रोजगार मांगे, न जॉब ले। यही बच्चों में मिला हूँ ना, उन्हें स्कॉलरशिप सेशन लेट के कारण मिला है, ना ही उन्हें सारा काम नहीं मिला। योजनाएं चल रही है 25,000 का, दिक्कत है कि बिहार का मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहा है, इसलिए जानबूझकर राज्यपाल को भेजा हुआ है केंद्र सरकार।